दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति स्लिनु ये निर्देशक है डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको अभिनेता दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक है डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक है डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन्स दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी बी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु। ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कॉनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपए की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानास को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये, यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओबरॉय और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन्स दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब्रॉय और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोनी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनी डेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपए की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये 11 जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है ये मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी बी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कॉनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओबरॉय और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उससे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानासाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपए की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी दान्याया द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये 11 जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी, थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डीडीबीवी डी बी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी बी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु। ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक है डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसी के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन है कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन्स दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी बी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओब और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कोनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक हैं जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपये की थी और इसकी अनुमानित जो कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु। ये निर्देशक डायरेक्टर हैं, और इसमें जो है आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के रिव्यू की करने के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विनय विद्या जी हाँ विनय विद्या रामा यह मूवी के बारे में हम आज डिस्कर्स करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी की कमाई कितनी हुई थी इस मूवी में कौन कौन से हीरो हीरोइन हैं कौन कौन से स्टार कास्ट हैं इस मूवी की कहानी क्या है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह मूवी किस प्रकार से लोगों को पसंद आई थी इसका जो प्रदर्शन कब किया गया था इस मूवी में आपको कौन कौन से ऐसे सीन से दिखेंगे जो आपको काफ़ी इमोशनली कर सकते हैं काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अच्छा लगा सकता है यह मूवी दर्शकों को किस प्रकार से भाई है और किस प्रकार से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनय विद्याराम यह इसका जो है यह 2019 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डी डी वी वी डी वी वी द्वारा निर्मित किया गया है इस फिल्म में आपको रामचरण विवेक ओप और कियारा आडवाणी दिखेंगे इसका संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था और यह फिल्म कोडी कॉनीडेला रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानाशाह को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है जिससे उसे के परिजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई भी मारा जाता है ऐसे में आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कि ये ग्यारह जनवरी 2019 को रिलीज की गई थी ये यह तेलुगु भाषा में बनाई गई फिल्म है और इसकी लागत जो है वह सत्तर करोड़ रुपए की थी और इसकी अनुमानित जो कुल कारोबार था वो पंचानवे करोड़ रुपए का रहा था इसमें आपको मुख्य रूप से लीडर में दिखेंगे बोयापति श्रीनु ये निर्देशक है डायरेक्टर हैं और इसमें जो है आपको अभिनेता